चंद्रयान 2 ने आज वो उपलब्धि हासिल कर ली है जिसका इसरो के वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 20 अगस्त यानी मंगलवार को चंद्रयान 2 को चांद की पहली कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाया था। फिर बुधवार को चंद्रयान 2 को चांद की दूसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया गया और ये अगले 7 दिनों तक इसी कक्षा में चक्कर लगाएगा। अभी तक चंद्रयान 2 धरती की कक्षा में ही चक्कर काट रहा था, लेकिन अब वह चंद्रमा की कक्षा में है। धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने की ये प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक तो खुश हैं ही, पूरा देश इस पर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। चंद्रयान 2 अभी तक बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा उम्मीद की जा रही थी। आपको बता दें कि धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने की इस प्रक्रिया को बेहद कठिन होने के कारण एक उपलब्धि माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 ने सबसे बड़ी बाधा पार कर ली है, लेकिन क्या वाकई चंद्रयान 2 के सामने इससे बड़ी कोई बाधा नहीं है? दरअसल इससे भी बड़ी बाधा, या यूं कहे कि सबसे बड़ी बाधा तो चांद पर इंतजार कर रही है। जी हाँ, चंद्रयान 2 ने बेशक अपने रास्ते की एक बड़ी बाधा को पार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा होगी लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर लैंड कराना। दरअसल इसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जिनमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि भारत पहली बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा रहा है। अभी तक ऐसा सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही किया है। जब चंद्रयान 2 चांद की सतह के समीप पहुंचेगा, तो उसमें से लैंडर विक्रम को तेजी से शूट किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लैंडर विक्रम एक पत्थर की तरह चांद की सतह पर गिर सकता है और क्रैश हो सकता है। चंद्रयान 2 से चांद की सतह पर लैंडर विक्रम के लैंडिंग तक के पूरे समय में करीब 15 मिनट लगेंगे, जो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए सबसे भारी रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।